हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंद्रा टेक्निकल टिप पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे इमर्शन रोड कैसे संभालें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रोड हमारे पास है, ये बिल्कुल खराब हो रखी है, ये कोई काम नहीं कर रही है। मैं आपको इसको सीरीज में चेक करके दिखा देता हूँ। ये हमारा सीरीज का सॉकेट है, मैं इसमें इसे चेक करके दिखला देता हूँ। अगर ये ठीक होती तो ये हमारा सीरीज बल्ब जल जाता, ये खराब है इसलिए नहीं जल पा रहा। मैं इसको खोल लेता हूँ। इसके पेच ये लगे होते हैं यहाँ पर, बहुत जंक में होते हैं। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि ये पेच नहीं खुल पाते हैं तो नया हैंडल डालना पड़ता है। इसकी जगह इस तरह का नया हैंडल आता है, ये डालना पड़ता है। फिलहाल हमें अब तो नहीं डालना है क्योंकि ये हमारा ये ठीक है। इसके पेच खोलने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े हार्ड होते हैं, पानी में पड़े पड़े जंक से, पानी की छींटे वगैरह से जंक आ जाती है इन पर। थोड़ा इसको ध्यान से खोलना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारी इस इमर्शन रोड का ये वायर जल रखा है, ये फोल्ड हो गया है। इसमें पानी के मॉइस्चर से यहाँ पर ये फोल्ड हो गया है। अब मैं इसको खोलूंगा। इसको रोकने के लिए ये यहाँ पर ये पत्ती लगाई जाती है ताकि ये इधर आगे पीछे को हिले नहीं, पीछे फिसले भी नहीं। मैं इसको खोल लेता हूँ अच्छे से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रोड अच्छे से खोल ली है। ये वाली वायर रेड वाली बहुत भयंकर तरीके से जली है। ये यहाँ पर इसका पानी की मोचर आया है, मोचर पानी से उसके वजह से ये जल गई है। अब मैं इसको खोल लेता हूँ। इसको बहुत सावधानी से खोलना पड़ेगा, नहीं तो रोड खराब होने का खतरा रहता है। मैं इसको नो प्लास की सहायता से खोल लेता हूँ, ये बहुत हार्ड हो जाता है। इसको सावधानी से खोलें, इसके अंदर से भी एलिमेंट जुड़ा होता है इसके अंदर, तभी वहां से नहीं खुल जाए या वहां से टूट टूट नहीं जाए। बहुत ध्यान से इसको खोलना पड़ता है, बहुत ज्यादा ही टाइट हो जाते हैं ये पानी में के, उससे मॉइस्चर आ जाता है इन पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे ये खुल के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसकी वायर छील कर लगा दूंगा। अब इसकी वायर छील लेता हूँ मैं। ये वायर इसकी जल रखी है, वो आप मिस्त्री के पास ले जाते हैं, वो 50-100 रुपये ले लेता है इसको ठीक करने के बाद। आपको ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने ही घर पर आसानी से कर सकते हैं। इसकी मैं वायर लगा लूंगा। मैं इसमें भी एक नट खींच दूंगा, इसका नट खराब हो गया था तो मेरे पास दूसरा नट था, मैंने ये लगा दूंगा। इसको भी मैं टाइट कर लूंगा, इसको भी मैंने अच्छे से टाइट कर लिया है। अब मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ सीरीज में, एक बार चेक करना भी जरूरी है। इसे खुला हुआ है तो मैं इसका प्लग सीरीज में लगाऊंगा। जैसे मैं इसका प्लग सीरीज में लगा रहा हूँ, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये ओके हो गया। अब मैं इसको इसमें फिक्स कर लूंगा, इसमें फिक्स कर लूंगा। फिक्स करते समय ध्यान दे, इसको इस वाले जो ये पत्ती लगी है, मैं इसको इसमें टाइट करूंगा जिस ताकि ये रुका रहे। अब इसका मैं हैंडल भी लगा दूंगा और इसके बीच में ये मैं पत्ती डाल दूंगा। इसके स्क्रू अच्छे से टाइट कर देता हूँ। हमारा ये ओके हो गया है वाटर हीटर, हमारे इमर्शन रोड ओके हो गई है। मैं आप एक बार सीरीज में आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।